एवरीबॉडी एंड वेलकम टू योर एक्सेल मेड इजी। मैं हूं आपका एक्सेल गुरु और आज आपके लिए मेरी वीबीए सीरीज का एक और वीडियो लेके आया हूं। ये वीडियो में हम सीखेंगे कि हम वीबीए कोड के जरिए कैसे जान सकते हैं कि कितनी वर्कबुक्स ओपन है। ठीक है, तो आइए, इसका कोड मैंने यहाँ सामने लिखा हुआ है, इसको एक बार हम लोग रिव्यू करते हैं। ये चूंकि एक सब प्रोसीजर है तो ये सब से स्टार्ट हो रहा है। इसका लिखा है एसयूबी सब और आगे मैंने प्रोसीजर का नाम लिखा है जो कि है काउंट बुक्स, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे हमारी एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट होती है। हम बोल रहे हैं कि एक मैसेज बॉक्स दिखे जो कि ये बताए कि कितनी वर्कबुक्स ओपन है, उनकी काउंट। मैसेज बॉक्स वर्कबुक्स डॉट काउंट और यहाँ पे सब एंड हो जाएगा। तो ये वीबीए कोड है जिसको हमने लिखना है वीबीए में। और ये वीबीए विजुअल बेसिक एडिटर कहाँ से ओपन होगा, किसमें लिखेंगे, तो उसके लिए हमें पहले डेवलपर में जाके ये विजुअल बेसिक कोड ओपन करना होगा। ना ये ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके सिस्टम में दिख भी रहा है ये डेवलपर टैब कि नहीं दिख रहा, तो उसके लिए आप ऑफिस बटन में जाएं, एक्सेल ऑप्शंस में जाएं और शो डेवलपर टैब में जाके इसको ऑन करें, यहाँ पे चेक मार्क लगा के और इसको ओके कर दें। जब ये ओके हो जाएगा तब आपको डेवलपर टैब दिखेगा, तो आप विजुअल बेसिक पे क्लिक करें। ये एक ऐसा एक बॉक्स ओपन होगा, हम इसको अभी डिलीट कर देते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी एंटर कर रखा है ताकि हम इसको ढंग से कर पाए। तो हम विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे और एक बॉक्स ओपन होगा, फिर हम क्लिक करेंगे इंसर्ट पर, इंसर्ट मॉड्यूल, और ये मॉड्यूल में हमने ये टाइप करना है। यहाँ पे विजुअल को बेसिक का कोड हमारा एड होगा और हमारा कोड है काउंट बुक्स, ये इसका नाम रखा है हमने। एंटर कीजिए, एंटर करते देखिए एंड सब लिखा हुआ आ गया है। अब हमारा एक्चुअल कोड है कि हम चाह रहे हैं एक मैसेज बॉक्स आए जिसमें ये दिख जाए कि वर्कबुक्स जो ओपन है उनकी काउंट कितनी है। ठीक है, वर्कबुक्स डॉट काउंट, सिंपल, एंटर दबा दीजिए। अब इसको हम रन करके देख सकते हैं, कहीं पे भी इस फॉर्मूले में क्लिक कीजिए और ये रन का बटन दबा दीजिए, नहीं तो F5 दबा दीजिए और ये काउंट आ गई 1। मैंने इस समय एक ही फाइल मेरी ओपन है, तो ये ओके हो गया है ना, बढ़िया फॉर्मूला। इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम सीखते हैं इसको रन कैसे करना है। इसको रन करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो डेवलपर टैब में जाके हम मैक्रोस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको, ये हमारे को हमारा मैक्रो का नाम दिख रहा है, वीबीए कोड का नाम दिख रहा है, इसको रन कर देंगे और ये आंसर आ गया हमारा 1। एक और तरीका, हम ऑल्ट F8 दबाएंगे तो भी ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो हम रन कर सकते हैं। और एक और बहुत अच्छा तरीका है, हम इंसर्ट से एक कोई भी शेप इंसर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हम ये स्माइली इंसर्ट करते हैं, स्माइली इंसर्ट हुआ है, इसको हम गोरा बनाते हैं और इसको हम एक मैक्रो असाइन कर देते हैं और ये रहा वो मैक्रो, ये वाला, ओके करते हैं और ये देखो इसको क्लिक करेंगे और ये काउंट आ गई है ना, बढ़िया। वेल, ये जो एक्सेल फाइल आप देख रहे हो ये फ्री में अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए मेरे वेबसाइट mylesson.org पे, वहां जाएं इसको डाउनलोड करें फाइल को और आप अपने पास उसको रख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो दिस इज योर एक्सेल गुरु साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, हैप्पी एक्सेल लर्निंग।